तो फाइनली आज यहाँ पर दोपहर 12 बजे इंडियन मार्केट में Redmi की Note 10 सीरीज लॉन्च होने वाली है और उसकी यहाँ पर फुल स्पेक्स एंड प्राइस निकल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में आपसे बताने वाले हैं कि स्मार्टफोन किस प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि Redmi Note 10 Pro Max जो स्मार्टफोन होगा वो 5G वेरियंट होने वाला है। यहाँ पर स्मार्टफोन का प्राइस जो काफ़ी कम निकल कर आई है, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि स्मार्टफोन इस प्राइस पर भी लॉन्च हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप Redmi Note 10 सीरीज में से किसी भी स्मार्टफोन का किसी के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर मैं कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब यहां पर बात करते हैं Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के स्पेक्स की। तो यहाँ पर जो आपको स्पेक्स देखने को मिलेंगे ना वो काफ़ी सिमिलर्स होंगे Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन जैसे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस पर आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस डिस्प्ले पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के पीछे की तरफ जाएंगी तो पीछे आपको बैक ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको कैमरे में मिलने वाली है। अब यहाँ पर सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी एक नाराजगी आपको हो सकती है, क्योंकि इस सीरीज के पहले जो आपको Redmi के Note 9 सीरीज में देखने को मिला था ना मैक्स स्मार्टफोन, आपको वहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अपग्रेड के बजाय यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया गया, यहाँ पर आपको एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन का कैमरा और डिस्प्ले काफ़ी ठीक ठाक सा आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले में एक कमजोरी आपको देखने को मिल जाती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने के बावजूद इस स्मार्टफोन में आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग की गई है Redmi की तरफ से। अब वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, जो कि एक 5G स्मार्टफोन के लिए मेन होने वाला है कि यहाँ पर आपको कौन सा 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराया था और ये अराउंड 25,000 रुपये के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पर स्मार्टफोन की प्राइस भी निकल कर आ चुकी है, वो वीडियो का आगे बताएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें USB टाइप सी पोर्ट के साथ में आपको 33W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर साउंड में थोड़ा सा चार्जिंग में इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको कम से कम 65W की फास्ट चार्जिंग तो देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अब यहाँ पर जो इसके मेन फीचर्स होंगे ना वो एक्स्ट्रा जो होंगे, यहाँ पर आपको एक डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आपको एक IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाती है। साथ अब काफ़ी अच्छा ये स्मार्टफोन होने वाला है। वहीं पर स्मार्टफोन के प्राइस की बात करें तो स्मार्टफोन का 6GB रैम और 64GB स्टोरेज करीब आपको 22,000 रुपये में इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है, जो कि 5G वेरिएंट होगा। अब स्मार्टफोन का 4G वेरिएंट नहीं लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर से देखिएगा। अब इसका जो 2 वेरियंट लॉन्च किया जाएगा उसका 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरियंट आपको करीब 25,000 रुपये में देखने को मिलेगा। अब आपको स्मार्टफोन के प्राइस कैसे लगे एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जुड़ी वीडियोस में आपके लिए रोजाना लाता रहता हूं। तो मिलता है आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।